इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो प्राइस भर चुकी है, तो भाई ऑफिशियली तो अभी पता नहीं है इस बात का कि भर चुकी है नहीं, लेकिन ओवरऑल मार्केट में और कुछ ऐसी जगहों पे जाकर ऑनलाइन भी खैर प्राइसेस मैंने देखी हैं भर चुकी है। और सुनने में ये आ रहा है कि इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो की जो प्राइस है, पहले 61 थी, अब वो 70 क्रॉस कर चुकी है, या फिर 70 आई थिंक सो मार्केट में, मतलब के कह रहे हैं कि ऑफिशियली 70,000 जो है वो प्राइस हो चुकी है। तो फिर मैंने मार्केट भी गया, मार्केट में तो खैर पहले से ही 80-85 का बिक रहा है, तो नो डाउट। तो उसके बाद फिर ऑनलाइन कुछ देखा तो कहीं ये 68,499 रुपीज़ का, और कहीं ये 85 प्राइस होए .pk जो पाकिस्तान की एक वेबसाइट है वहाँ पर ये 84,999 का, लेकिन फिर भी आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो अब सिनेरियो यहाँ पर ये पेश आ रहा है कि पाकिस्तान में जो LCs हैं तो क्लोज हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक लिमिटेड स्टॉक आ रहा है। तो खैर ये वीडियो वाली सरकार जो है इन्होंने काफ़ी कुछ जो बातें हैं वो क्लियर हमारी कर दी। वो डायरेक्टली अगर लिंक करें हम इस सिचुएशन से तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही हैं। LCs बंद होने की वजह से पाकिस्तान के जो डॉलर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो बहुत कम बाहर भेज रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि डॉलर आए ना कि बाहर जाएं। दैट्स द रीज़न के एक लिमिटेड क्वांटिटी, एक लिमिटेड स्टॉक में मोबाइल्स जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं। पहले तो असेंबल इन पाकिस्तान हो रहे थे, लेकिन अब जो है आई डोंट नो कि क्या सिनेरियोस हो रहे हैं कि पाकिस्तान पार्ट्स मंगवा रहे हैं, असेंबल यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर पूरा जो बॉक्स है पिन पैक वो चाइना से ही मंगवाई जा रहे हैं। तो इसका भी थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी। दूसरा जो प्राइस टैग बढ़ने का जो एक सीन है ना, वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे जो होलसेलर हैं या फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये लोग पहले से ही जो है इन्हें पता है कि भाई लिमिटेड स्टॉक में आना है, डॉलर्स हम लोग कम पे करेंगे, तो इसलिए बहुत लिमिटेड स्टॉक आएगा मोबाइल। जब लिमिटेड आएगा तो हम इसको ब्लैक कर लेते हैं, जब ब्लैक में कर लेंगे तो ये जाहिर सी बात है शॉर्ट हो जाएगा, जब शॉर्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी हम लोग इस प्राइस की जो है इसकी डबल प्राइस कर देंगे। लाइक 61 ऑफिशियली इसका लॉन्च हुआ है 69.99, तो लेकिन बिग कितने करा है 85-90 क्रॉस कर गया यार, 90 क्रॉस कर चुका है। इसका हल क्या है? तो हल यही है कि ना खरीदो भाई। इसके बाद VIP आने वाला है, इन्फिनिक्स नोट 30 VIP, उसके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो बहुत जल्द वो भी आने वाला है। लेकिन भाई लोग मसला यहाँ पर ये आना है कि जैसे प्रो की तरफ हुआ है वैसा ही VIP की तरफ भी होगा, कि प्राइस जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी। और मसला यहाँ पर जो है, पहले जो 25 का होता था ऑफिशियली मोबाइल, वो 2000 फिर भी मार्केट में कम मिलता था, लेकिन अब जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं प्राइजेस। कुछ हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है कि उन्होंने LCs बंद की हुई हैं, जिसकी वजह से ये जो सीन है अभी पाकिस्तान में ये हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन में हम लोग जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन खरीदें ना। जब मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लैक में इन्होंने स्टॉक किया होगा वो ऑलरेडी वो लोग बाहर लेंगे, क्योंकि नुकसान तो इन्होंने करना नहीं है। अब जो वो मॉडल होगा वो पुराना हो जाएगा, और जो अब VIP आ रहा है वो नेक्स्ट मॉडल होगा। तो दैट्स द रीज़न भाई, जैसे जैसे न्यू मोबाइल आते जाएंगे तो एक और 30i है आई थिंक सो, वो उसके बाद आना है। तो मतलब मोबाइल्स न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आते जाएंगे, तो जैसे ही आते जाएंगे तो इन मोबाइल की डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। तो खैर कुछ ऐसी बातें जो कि मोबाइल्स में यूजर्स जो हैं इन्फिनिक्स नोट 30 के, उनसे सुनी है कि कैमरा बहुत ज़्यादा जो बोल रहे 108 मेगापिक्सल का है तो उतना डिसेंट है नहीं जितना इन्होंने बनाया हुआ है। तो खैर कुछ और भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स उसमें सुनने में आए हैं कि भाई जैसा ये बताया जा रहा था बिल्कुल वैसा है नहीं। लाइक मैं इन्फिनिक्स नोट 11 यूज़ कर रहा हूँ, जब स्टार्टिंग मैंने लिया था आई थिंक सो 50 megapixel इसका कैमरा की हाईलाइट थी, लेकिन अब जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं तो डिवाइस इन्फो के नाम से एक ऐप है जिसमें आपको सब कुछ अपने मोबाइल का सब कुछ बता देते, उसमें जब मैंने अब मोबाइल का देखा तो 12 MP जो है वो मेरा रेयर कैमरा आ रहा है। ये सीन चल रहे हैं भाई लोग, बता 50 रहे हैं रियर कैमरा 12 चल रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये आगे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होते हैं या फिर क्या कर रहे होते हैं। तो 50 का अब सोच के लिया था और अब 12 MP, ये चीज़ भी इनकी जो है वो माइंड में रखने वाली है। डिवाइस इन्फो ठीक है, ये ऐप है, अभी इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और अपना जो आपका फ़ोन है वो डायरेक्टली ये उठा लेगा, और जो जो प्राइस हैं जो जो चीज़ें उसमें होंगी वो और वो सब कुछ जो है वो आपको परफेक्ट जो है वो दिखा देगा कि इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, डुअल कैमरे जो अगर ट्रिपल कैमरा आ रहा है कितना है भी है या नहीं है, सब कुछ चीज़ एंड एवरी थिंग जो उसमें बता देगा। ताकि आपके पास रीजेंट मोबाइल है उसको भी एक बार आप देख लो कि यार जो आपने जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ लिया था क्या वो स्पेसिफिकेशंस अब भी हैं या नहीं है, तो ये भी सीन है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो होप सो कि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन यार बस मसला यही है कि ना खरीदो। मैं ऑलरेडी बहुत सी इस पर वीडियो बना चुका हूँ,
पहले आप वो भी जाके देखें, लेकिन बस इश्यू ये आते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम है, बड़ी डीट कौम है, और दूसरे लफ्जों में कहें तो बड़े बादब, तो बा के आगे जो भी हैं ये बा हटा के बे कर रहे हैं, वो कौम है। तो आगे आने वाली जो हमारी वीडियोज है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि टॉप 5 मोबाइल जो कि अंडर 40 के, टॉप 10 मोबाइल जो कि अंडर 60 के, जिस वेरिएशन के हैं सब मोबाइल लाएंगे, इन्फिनिक्स, सैमसंग, शाओमी, जो मोबाइल है सब लेकर आएंगे। तो अभी जस्ट यही था, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।